बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव देर रात आधी रात को पुलिस कार्यालय यानी थाने में पहुंच गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल आपको बता दें कि एक जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुर और पुलिस कर्मियों के बीच गाड़ी के पेपर दिखाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस अंकुश को पकड़कर थाने ले गई और उसकी गाड़ी को बंद कर दिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंकुश की गाड़ी को रोका था। इसकी सूचना मिलते ही शिवपाल सिंह यादव भी गौतमपल्ली थाने पहुंच गए और के साथ हस्तक्षेप के बाद मामले के अंदर काफी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अंकुश को और गाड़ी को छोड़ दिया। उन्होंने शिवपाल यादव की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पुलिस के द्वारा जानबूझकर उनके निजी सचिव को फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा कि निजी सचिव को फंसाने के लिए इस तरीके की खबरें प्लांट की गई है। शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उनके निजी सचिव की गाड़ी में पुलिस ने अवैध असला रखकर जेल भेजने की कोशिश की थी और उनका प्लान था कि पहले इस फंसाएंगे फिर वसूली करेंगे। यह सब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस तरीके कई तरीके के निर्दोष लोगों को भी जेल में भेजा जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव वहां पहुंचे और उन्होंने अपने निजी सचिव को छुड़ा लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि उनके निजी सचिव अंकुश जब गाड़ी से जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें जबरन रोका, अपनी पिस्तौल गाड़ी में रख दी और कहा कि इसे खोला। इसी तरीके से उसे फंसाने की कोशिश की। पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और उसी तरीके से आपको बता दें कि खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए किस तरीके से लड़ा जाता है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से दिखाया है। मुलायम सिंह यादव जब थे समाजवादी पार्टी में तब आपको बता दें कि वो कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जितनी वफादारी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने जिस समय निभाई थी उतनी वफादारी तो आज के समय में भी अखिलेश यादव के समय में भी नहीं देखने को मिलती। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ एनी टाइम यानी हर समय नजर आते थे और यहां पर साफ नजर आ रहा है कि शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से रात के समय में भी यानी कि 11-12 बजे के आसपास भी वो अपने निजी सचिव को छुड़ाने के लिए वहां पहुंच गए। मिलेंगे नई अपडेटों के साथ, लेकिन इस मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो कमेंट करके